ये कहते ना कि हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम, जब हम कलमा गो लोग होते ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। दिया इसराइली फौज पर लगाम खसा। लबनान के बाद इसराइल के यमन पर भी फजाई हमले। इसराइली फजाई ने हुदैदा और रासीसा में बंदरगाह और बिजली घरों को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। नहीं, जाहिर है वो क्या कहे, हमें पता है, तो फिर चुप कर जाए उसके बाद। वो तो इस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना है। दुनिया भर में इस वक्त इसराइल जो है वो उसके मजालिम की गूंज तो है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। बेलगाम है इसराइल गाजा और बैरूत के बाद, अब यमन भी सहूनी फोर्सेस के निशाने पर है। और अब ईरान जो है वो तो जुमलेबाजी कर रहा है, और बाकी अरब ममालिक जो हैं वो जुमलेबाजी भी नहीं कर रहे, और उससे पर्दा नहीं चाहते बीच में। फिर तो कोई फिर बैठ जाए चुप करके, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, जो मार पड़ती है पड़ती रहे, आज उनको पड़ रही है कल हमारी बारी भी आएगी। हम तो समझ रहे हैं कि उनको पड़ रही है, हम बचे हुए हैं। और मुस्लिम ममालिक, लेकिन हकीकत यह है कि जो है इस लबनान के अंदर क़यामत का मंजर है। बिल्कुल, मगर आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मुसलमान मुल्क है जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, क्या इन्होंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोज को देखते रहते हैं, तो अधिकतर समय आपने देखा होगा कि कई पाकिस्तानी यह कहते हुए मिल जाते हैं कि उनके अंदर जज्बा बहुत है, वो जब चाहें दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, और काफिरों में तो कोई जज्बा ही नहीं होता है, वो डरपोक होते हैं, ऐसी न जाने बहुत सारी बातें पाकिस्तानी हमेशा आपको पाकिस्तानी मीडिया पर कहते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इन्हीं पाकिस्तानियों का जज्बा ना जाने कहाँ चला जाता है, जब आए दिन दुनिया उनको लात मारती रहती है, जब ये इलीगली दूसरे देशों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और अभी तो खुद इनके भाई लोग यानी TTP और बेले वालों ने ही न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का भी बाजा बजा रखा है। तो यहीं पे इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामलों को लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, और इजराइल एक के बाद एक अपने दुश्मनों को लीडर को खात्मा करते जा रहा है, चाहे वो हिजबुल्ला के टॉप कमांडर का हो, या फिर कुछ समय पहले ही हानिया का मारना हो, या फिर अभी ईरानी जनरल का मारना हो। यानी एक छोटे से देश ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर है अपने देश की रक्षा के लिए तबाही फेर दिया वहाँ पे, जिसके बारे में पाकिस्तानी आपको अक्सर बात करते रहते हैं कि इसराइल तो एक छोटा सा देश है, उसको अगर उम्मा देश चाहे तो मिनटों में मिटा सकता है, लेकिन इसराइल का वही छोटा सा देश अभी इस समय ईरान जैसे उम्मा देश की लंका लगा रखी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस लेटेस्ट वीडियो को। इसराइल की इस खुली गुंडागर्दी पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं। इसराइल एक एक करके अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ खामोश करता जा रहा है, इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्लियरली अक़वामे मुत्तहिदा भी इसराइल के सामने बेबसी की तस्वीर बनी है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरक़ वस्ता में जंग फैलने के खतरात मज़ीद बढ़ गए हैं। आलमी ताकतों को महज बयानबाजी से आगे निकलकर इसराइल को हर सूरत जो है वो रोकना होगा। डॉक्टर साहब, हमास के बाद इसराइल ने अब हिज़्बुल्लाह के सरबराह को भी शहीद कर दिया, ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करते जा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ईरान हो लबनान हो किसी का लिहाज नहीं है। आपको इसराइल रुकता हुआ या इसे कोई रोकता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ये सब कुछ सफ़ा हस्ती से मिटा कर ही दम लेंगे? इस वक्त मशरक़ वुस्ता में बहुत ही संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई है। एक ही मुल्क है जो उनको रोक सकता था और रोक सकता है, और वो है अमेरिका। लेकिन हमने देखा है कि अमेरिकी सदर ने जो हमला किया इसराइल ने, जिसमें कि शहीद हुए हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरुल्ला, उसकी भी तारीफ की। हालांकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसराइल को रोका जाए, इसलिए कि बमबारी उनकी जारी है, एयर स्ट्राइक्स जो है लबनान पर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब खदशा ये है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लेबनीज जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नाकामी है, तो ये बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है। तो भाई, अब कितना संजीदा मामला होगा, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ी हमारी जो इस वक्त मजबूरी है ना, वो ये है कि हम इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हैं, और वैसे हमारी एक दूसरी मजबूरी ये पे कि हम आपस में भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं।
तो अगर हम खुद भी इस वक्त यूनाइटेड नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, तो हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी आवाज कैसे बुलंद कर पाएंगे अगर हम खुद भी यूनाइटेड नहीं होंगे? ये एक बात तो बड़ी क्लियर है, देखिए इसको समझने की बात है कि दुआओं से या बददुआओं से तो आप इसराइल को नहीं रोक सकते। जब तक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए जाएंगे और प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए एक जुरत का मुजाहरा करना होगा और वो जुरत के मुजाहरे के लिए हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तैयार नहीं है अब तक। लिप सर्विस के हद तक जो है बड़ी बड़ी रेटरिक से इस्तेमाल करते हैं कि यूं हो जाएगा और कर लेंगे, लेकिन ऐसे मसले हल नहीं होंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमें कोई ड्रास्टिक स्टेप जब तक नहीं लेंगे, वरना चुप करके बैठ जाओ, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, जो मार पड़ती है पड़ती रहे, आज उनको पड़ रही है कल हमारी बारी भी आएगी। हम तो समझ रहे हैं कि उनको पड़ रही है, हम बचे हुए हैं। हर मुल्क ये सोच रहा है, हर मुस्लिम ममालिक में रियासत ये सोच रही है कि जी हम बचे हुए हैं इसलिए चुप करके बैठे रहो, अभी तक हमारी बारी भी आएगी। आपने कभी देखा हमें ग्रेटर इसराइल का प्लान क्या है, जिसमें हमारे बहुत मुकद्दस मकामात भी आते हैं, वो शामिल है, अरब कंट्रीज के दूसरे इराक और शाम के इलाके भी शामिल है, वो ग्रेटर इसराइल जो है वो बना लेंगे, कौन रोकेगा इस तरह उसको? जो हालात है आप देख रहे हैं किस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं वो। बिल्कुल, मगर आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मुसलमान मुल्क है जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, क्या इन्होंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा Why did Israel develop nuclear weapons? ये अरबों को देखिए, वो कब से न्यूक्लियर वेपन उनके पास हैं, but they have never made any effort. So if you are going to make stupid mistakes like that, यही बात असल क्या पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए the one country that has nuclear weapons, क्या कोई डिफेंस पैक्ट है उमा का? Nothing. वेरी वैलिड पॉइंट जफर हिलाली साहब, इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट। नहीं नहीं, आप तो इट्स नॉट, आई मीन दिस वेरी ऑब्वियस इन माय माइंड के देयर इज ओनली वन थिंग दैट विल काउंट विद अमेरिका, इफ यू कैन हार्म अमेरिका दे विल लिसन टू यू। तक ये लड़ाई हो, जितने लोग इसमें शामिल हैं, जितने मुल्क इसमें शामिल हो, वो है बेहतर मुसलमानों के लिए और फलस्तीनों के लिए। ये क्या है कि आप जाके हिंदुस्तान जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ काम करता है हिंदुस्तान के अंदर, आप उधर जाके $77 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं और सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, और आपको $1-2 बिलियन का रोल ओवर नहीं मिलता। हाँ, उसके लिए भी आपको रोना पड़ता है, $1-2 बिलियन जो कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। अलिया लोधी साहिबा, हसन नसरुल्ला पर हमले के लिए इसराइल हुकूमत ने वो दिन चुना जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली अरूज पर थी और मसला फलस्तीन पर बड़ी खुलकर बात हो रही थी, और इस हमले की टाइमिंग पर कहा जा रहा है कि इसका मकसद दुनिया को ये पैगाम डेफिनेटली देना था कि जो मर्जी कर लो, हम तो नहीं रुकने वाले, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा।